गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, हमने सबसे पहले लेसन नंबर 4 में आपको जो अभी तक समझाया है वो आर्टिकल क्वेश्चन समझाया है। आफ्टर द आर्टिकल क्वेश्चन, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। व्हाट इज द प्रीपोजिशन एंड व्हाट इज द मूवमेंट? ठीक है, प्रीपोजिशन तो पहली बात वो वर्ड होते हैं जो वर्ड आपकी किसी भी चीज की पोजिशन बताते हैं, है ना। प्रीपोजिशन मीन्स पोजिशन। सपोज अगर ये डस्टर है ना, और डस्टर आपने टेबल के ऊपर रखा, तो हम टेबल यानी द डस्टर ऑन द टेबल बोल रहे हैं। और अगर ये डस्टर टेबल के नीचे है तो इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बुक्स है ना, वो बुक्स आपके बैग के अंदर होती है, तो हम बोलते हैं बुक्स आर इन द बैग, इन टू द बैग, इन द बैग। ओके, और अगर वो बाहर रहती है तो आउट ऑफ द बैग। अगर वो बेंच पर है, ऑन द बैग। अगर वो एक बैंक से आपने दूसरी तरफ फेंकी तो वो ओवर हो जाता है ना। यानी कि हर एक चीज का जो एक्शन होता है उसकी प्रीपोजिशंस बताता है, उसकी पोजिशंस बताता है। उसी तरीके से हम पेज नंबर 67 पे आपको स्टूडेंट्स ये एक तरीके के चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के चार क्वेश्चन डिफाइन किए गए हैं। चार क्वेश्चन मीन्स अलोंग, अराउंड, over, the next is through and across. Okay, there are five types of movement आपको यहाँ पर describe किया गया। तो movement बहुत सारे होते हैं जिसपे आपकी position, preposition की बताई जाती है, आपके action, आपका जो noun होता है उसका action बताया जाता है। But यहाँ पर सिर्फ हम five prepositions के बारे में पढ़ेंगे। Now come to the page number 67. First is along. Along means, along express the movement from one end of the street of the other end. यानी along जो word होता है वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का direct movement। Suppose अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं सीधे जा रही हूँ, यानी कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से अपना direction शुरू करके वहाँ ending अपना direction खत्म करना है, तो वो है मेरा preposition of movement। Suppose like this example. ये बच्चा अपनी बाइसिकल लेकर नदी के इस किनारे से इस किनारे तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहा है। वन पॉइंट से इसने स्टार्ट किया और द सेकंड पॉइंट इज एंडिंग पॉइंट, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं अलोंग। यानी कि श्रीधर इज राइडिंग अ बाइसिकल अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी एक साइड से दूसरे साइड। नेक्स्ट अराउंड, पहली बार तो अराउंड का अ हटाओ तो राउंड हो जाता है। राउंड का मींस आपको पता है, यानी किसी भी चीज के आसपास घूमना। ठीक है, सपोज बीच में बहुत बड़ा पेड़ है, ये देखिए एग्जांपल, ये पेड़ है, ट्री के चारों तरफ लड़कियां घूम रही है, उसके राउंड लगा रही है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हो गया आपका अराउंड। अराउंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वॉकिंग इन द सर्कल, सर्कल यानी गोलाई, गोलाकार, usually with an object in the middle. Middle मतलब बीच में। अगर सपोज आप कोई पर्सन आपके बीच में खड़ा है, आप उसके गोल 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 घूम रहे हैं, तो वो मूवमेंट आपकी कहलाएगी अराउंड। अराउंड मीन्स किसी चीज के गोल गोल चक्कर लगाना। नेक्स्ट इज ओवर। ओवर एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वॉकिंग ऑन अ पाथ दैट अ लेवल हायर देन अ ग्राउंड। मीन्स अगर कोई चीज जमीन, ग्राउंड होती है जमीन, जमीन से ऊंचाई पर है और आप उसके ऊपर से निकल रहे हो, दैट इज द ओवर। आप लोगों ने जब सिटीज में जाते हैं या कहीं पर भी जा रहे हो तो ब्रिज देखे, ब्रिज मतलब पुल, पुलिया देखी होगी, तो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां निकलती है, ब्रिज के ऊपर से निकलती है। कुछ सिटीज में अगर आप जाएंगे तो कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में गाड़ियां नीचे से भी निकलती है और कुछ सिटीज में गाड़ियां ऊपर से भी, है ना। लेकिन अगर गाड़ी ब्रिज के ऊपर से जा रही है, पहली चीज तो कि ब्रिज ग्राउंड यानी कि जमीन से बहुत ऊंचाई पर बना है, ठीक। द सेकंड थिंग कि अगर ऊपर से कोई चीज निकल रही है तो हम इनटू द ब्रिज नहीं बोलेंगे, हम ओवर द ब्रिज बोलेंगे। द बस एंड द कार्स रन ओवर द ब्रिज। आई रिपीट द एग्जांपल, द बस एंड द कार्स रन ओवर द ब्रिज, यानी कि उसके ऊपर से निकल। इसके बाद पेज नंबर
68 पे आ जाइए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 पे आपका एक एग्जांपल है थ्रो. हियर द वर्ड इज थ्रो. एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वॉकिंग डाउन इन द मिडिल ऑफ द टाउन टू द अदर साइड. सपोज अगर आप थ्रो का पोजीशन अभी आप पिक्चर देखें, है ना, थ्रो कहां यूज किया जाता है? जंगल, जंगल है, जंगल के बीचों बीच ये लड़का है. अगर आप सपोज मान लीजिए इधर भी एक सोसाइटी बनी है, इधर भी घर बने हैं और बीच की जिस गली में आप जाते हैं उसे हम कहते हैं थ्रो द स्ट्रीट. मैं फिर से डिफाइन करूंगी, अलोंग और थ्रो दोनों का मतलब अलग होता है. अलोंग मीन्स होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना और थ्रो का मतलब होता है किसी जगह, किसी सोसाइटी, किसी जंगल या कोई भी ऐसी प्लेस जहां पर आप सिर्फ बीचों बीच चलते हैं. बीचों बीच यानी मिडिल वॉक, बीचों बीच आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, अपनी पोजीशन मूवमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रो. द लास्ट इज अक्रॉस. अक्रॉस एंड ओवर द बोथ सेम रूट्स, है ना. द अक्रॉस एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड टू द अदर साइड. और यहाँ पर हमने सॉरी ओवर का भी यही पढ़ा था कि ग्राउंड से थोड़ी ऊंची चीज को से ऊपर निकलने को हम ओवर कहते हैं. मतलब मोस्टली ओवर का यूज ऊंची चीज के लिए होता है और अक्रॉस का यूज होता है एक जगह एक साइड से दूसरे साइड जाने. ऐसे सपोज आप रोड पर होते हो स्टूडेंट्स, तो रोड क्रॉस करते हो, है ना, आप इस साइड खड़े हो, बीच में से बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, तो उसे हम कहते हैं अक्रॉस, इस पार से उस पार जाना. तो ये होते हैं आपके मूवमेंट्स ऑफ वर्ड. अब हम इसे एक मैच करके आपको मैं दिखाती हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो. फर्स्ट पोजीशन देखिए, ये एरो शो कर रहा है, ये लड़की है और ये इस साइड से यानी कि एक कोने से अपने डॉग को लेकर दूसरे कोने तक जा रही है. तो इसका रियल मैच क्या होगा? द गर्ल इज वॉकिंग अक्रॉस. अक्रॉस मींस एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करके जा रही है सड़क. अक्रॉस द स्ट्रीट विद हर डॉग. द नेक्स्ट पिक्चर यानी कि रिवर है, रिवर के पास एक बच्चा है जो कि रिवर के एक कोने से दूसरे कोने तक सेम डायरेक्शन बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे, है ना, बिना कोई साइड चेंज करे सेम साइड में बस अपनी बाइसिकल यानी अपनी साइकिल लेके जा रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे श्रीधर इज राइडिंग अ बाइसिकल अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर. द नेक्स्ट पिक्चर इज दिस बॉय. दिस बॉय वॉक थ्रू द जंगल, है ना, यानी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है. तो अरुण इज हाइकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. नाउ द लास्ट पिक्चर इज द मिडिल ऑफ द ट्री एंड द गर्ल्स अराउंड दिस ट्री. सो द चिल्ड्रन आर डांसिंग अराउंड द ट्री. योर ऑल आंसर आर करेक्ट. It means preposition of movement always decide our actions where we completed. यानी कि हमारा जो action होता है वो किस position में किस जगह पर किया गया है या preposition of movement decide करता है. चाहे वो crossing हो, along हो, through हो, around हो या फिर over. Okay student, I hope this lecture आपको समझ में आया. This lecture is over here. Thank you so much.